अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मस्जिद कूफा इराक में मौजूद हूँ और ये मस्जिद कूफा है। आप सब ज़ारत कर सकते हैं, ये मस्जिद कूफा है। मौला आप सबको इस दर की इजाज़त नसीब करे। जल अजल इलाही अमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप वीडियो को देख रहे तो लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी ज़ियारत कर सके। मौला आप सबको सलामत है क्या, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत अता करे, ज़िंदगी अता करे। मैं इस वक्त मस्जिद कूफा में हूँ, आप सबको ज़ियारत करा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें। ये मस्जिद कूफा इराक में मैं मौजूद हूँ अरीज़ा टूर के साथ, जो कि मुंबई का है। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम, जहां पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। ये मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम, जहां पे इमाम अली अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्ने बुलजिम ने ज़रबत मारी थी। और ये मुकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद कूफा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप सब के लिए दुआ गो हूँ। आप सब की जानिब से मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, अनबियाओं की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। ये मुकाम मेहराब है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। ये मेहराब है जहाँ पे मौलाए कायनात को ज़रबत लगी थी। सदीक मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम, जहाँ पे मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। बेशुमार लानत तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पर, मौला अली अलैहिस्सलाम के तमाम दुश्मनों और कातिलों पर बेशुमार लानत। ये मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, आप देख सकते हैं मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आपसे रिक्वेस्ट थी, गुजारिश है कि लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी ज़ियारत कर सके। मैं इस वक्त मस्जिद कूफा में हूँ इराक में और आप सबको ज़ियारत करा रहा हूँ। अल्लाह आप सबको यहाँ की ज़ियारत नसीब करे। मौला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। माशाअल्लाह ये मस्जिद कूफा है। खुदा आपको इस दर की ज़ियारत नसीब करे, आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ। जी भाई ज़रूर ज़रूर। दानिश रिजवी साहब, मौला आपको सलामत रखे, सारी मुश्किलात दूर करे, आपकी सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता करे। अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। इस वक्त मस्जिद कूफा में हूँ, आप लोग भी अपने लिए दुआ करा सकते हैं। इंशाल्लाह नाम लेके दुआ करूँगा। आप सब की जानिब से मौला की बारगाह में जितने भी अनबिया और जिन जिन के मुकामात हैं उन सब की बारगाह में आप सबका सलाम पेश करता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक करें, लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाए, लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी लाइव आके ज़ियारत कर सके। ये मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम है और ये वो जगह है जहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई थी।
ये मुकाम जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर मुकाम पर दो दो रकात नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह आप सबको इस दर की ज़ारत नसीब करे। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे, इस दर की ज़ारत नसीब करे। आपको आपके वालिदैन को सलामत रखे। इस वक्त मैं मस्जिद कूफा में इराक़ में मौजूद हूँ। आप सब के लिए दुआ करो। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। ये मस्जिद कूफा है और इस वक्त अरीज़ा टूर मुंबई और मुंबई आज़ादारी नेटवर्क मस्जिद कूफा इराक में मौजूद है। बहुत कीमती कीमती दुआएं आप सबके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ इलाही अमीन बोलिए और लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी दुआ करा सके, उनके हक में भी दुआ कर सकूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहू। मौला आप तमाम मोमिन को सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर अलैहिस्सलाम के। ये मस्जिद कूफा इराक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अरीज़ा टूर मुंबई और मुंबई आज़ादारी नेटवर्क इस वक्त मस्जिद कूफा में मौजूद है। आप लोग को लाइव ज़ारत करा रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुकाम, मुकाम जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह आप सबको इस दर की ज़ारत नसीब करे। ये मेहराब है, ये मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम। आप लोग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर लानत भी करें। खुदा की लानत हो बेशुमार अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर। आज सब की जानिब से इस मुकाम से मैं अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर लानत बेशुमार करता हूँ। आप सब की जानिब से बेशुमार लानत हो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर। ये अरीज़ा टूर के ज़ायरी ने जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम है। बात करो बेटा, उम्मीद के आप देख सकते हैं मस्जिद कूफा इस वक्त अरीज़ा टूर मुंबई आज़ादारी नेटवर्क मस्जिद कूफा में मौजूद है और आप लोग ज़ारत करें, अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए दुआ करें, अपने मरहूमिन की मगफिरत के लिए दुआ करें। अल्लाह आप सबको इस दर पे आना नसीब करे, आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे, खैरियत से रखे आप सभी को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहू। मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम। अभी आपको आगे की भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। आप लोग लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी ज़ियारत कर सकें।
अभी आपको जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम का रोज़ा जनाब मुस्लिम इब्न अकील कभी रोज़े की ज़ियारत कराएंगे, ज़हरी की ज़ियारत कराएंगे। ये मस्जिद कूफा है, इस वक्त इराक में मैं मौजूद हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे, खैरियत के साथ रखे। बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह मस्जिद कूफा इराक में। अल्लाह आप सबको इस दर की ज़ियारत नसीब करे। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। आप लिंक को शेयर करें, इंशाल्लाह एक के बाद सबकी ज़ियारत कराएंगे। सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे मोमिन भी ज़ियारत कर सके। मेहराब इमाम अली अलैहिस्सलाम। जनाब जिब्रील का इस जगह मुकाम था। ये मुकाम है नबी अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है। ये आप देख सकते हैं। मौला आप सबको इस दर की ज़ियारत नसीब करे। मुकाम है नबी अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है ये। लाइव देखने बोलो, लाइव कर रहा हूँ भाई, लाइव चालू है, लाइव देखने बोलो यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, राइट नहीं नूर भाई, कितना टाइम लग गया नूर भाई? ज़ाहिरी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंडिया से तशरीफ लाए। हो गया, अभी चलने का आगे अंदर औरतों को निकलने दो, सब अंदर से आवाज दे दो। बहुत जगह है, बोलो बोलो। 7 बजे दावत में नहीं पहुंच पाएंगे, तब बहुत कम टाइम बचा है। दावत दावत तू ऑनलाइन की दावत दावत ए थोड़ा इंटरनेट दे रहा यार। लाइव दे रहा भाई, नहीं चलेगा तब मेरा एक ही मोबाइल नहीं चलेगा सच्ची में। अरे अच्छा, मैं कुछ करूंगा नहीं, बचा रही है। ये मस्जिद कूफा है। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे, खैरियत के साथ रखे। अभी कहाँ जाएंगे मौला साहब? अभी किस साइड जाएंगे? अभी जाएंगे मकाम मुमजा। अभी मौलाना साहब है जो कि पाकिस्तान से तालिब इल्म है, नजफ़ अशरफ पे पढ़ रहे। क्या नाम है मौलाना आपका पूरा? जी सैयद अब्बास नजफ़ी साहब। माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे, आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, आपके वालिद वालदा को सलामत रखे, आपकी मरहूमिन की मगफ़रत करे, उन्हें जवारे मासूमिन में जगह इनात करे। और जिस तरीके से आप माशाल्लाह ज़ारत करा रहे, सब मालूमात दे रहे, अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे। इलाही आमीन। साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए।
अरे उनको बोलो भूख भूख मत पड़िए, चलिए। आप ऑनलाइन है मुझे ये मस्जिद कूफा है और अभी हम लोग मुकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे जाएंगे। ये अरीज़ा टूर के ज़ाहिरी नज़रात है, मौला इन सब की ज़ियारतों को कबूल करे। मुकाम में जनाब आदम अलैहिस्सलाम। ए भाई आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते किसको भेजते हो? और लाइव करने के बाद बताता हूँ तेरे को बेटा, वो सवाल पूछता है। मैं इस वक्त मस्जिद कूफा में हूँ और आप सब देख सकते हैं जनाब मुस्लिम। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हैं जरिए जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की है। ओके थैंक यू। ये जरिए मुबारक जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम है। आप देख सकते हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की जरिए मौला आप सबको सलामत रखे। जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक है। वालेकुम अस्सलाम। ईरान हिंदी हिंदी ये जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम की ये जरिए मुबारक है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, खुश रखे।